ये जो डिस्प्ले लगा हुआ ये ईरानी है जी जी, और ये सारा और ये भी ईरानी है जी। ये है सिर्फ चाय के लिए। अच्छा, चाइना है जी। ये 19,000 रुपए का। ये भी 19,000 जी जी। लोकल है या ये भी बाहर की चीज़? नहीं, ये लोकल है। अच्छा, लोकल ये है। लोकल ये सेट जो है तकरीबन ये पूरा एक सेट है यहाँ जी। ये सेट सारा ईरानी है। ये वाला ये ईरान से आता है। हाँ, ये ईरानी है। ये बड़ा सालन है, छोटा सालन है। ये सलाद हो गया, ये चिकनी मिकनी के लिए हो गया, और ये उसके लिए चावल के लिए हो गया। नहीं नहीं, ये एक एक है। अच्छा जी, एक एक है। नहीं, ये ईरानी है, ईरान का। ईरान से आता है। ये जबरदस्त चीज़ है। ये मतलब अभी तो बड़ी जा रही है ईद उल अज़हा, लोग बारबेक्यू के शौकीन होते हैं जैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल अरशद खान। तो मेरी कोशिश होती है आप लोग के साथ एक नई नई चीज़ शेयर करता रहूं। तो आज मैं अगेन आया हूं कराकरी स्टोर, सूरजगंज बाज़ार क्वेटा में। तो यहां पे इनके पास जो है ना, कुछ सब मेरे सब्सक्राइबर्स थे, उनकी फरमाइश थी कि उन्होंने कहा था, उनकी डिमांड थी, वो कह रहे थे कि आप ईरानी डिनर सेट जो आते हैं उनकी वीडियोज़ बनाएँ थोड़ी। तो आज मैं इनके पास आया हूँ, तो इन ये कह रहे हैं ईरानी डिनर सेट तो आजकल नहीं आ रहे हैं। इनके पास ईरानी कुछ सामान है जो कराकरी के जितने भी गैजेट्स हैं इनके पास अवेलेबल हैं, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ईरानी हो गए, इनके पास लोकल भी हैं, उनके अलावा जो है ये अवानी भी हैं, उसके अलावा फ़्रांस का सामान भी इनके पास पड़ा हुआ है। मतलब कराकरी की जितनी एसेसरीज़ हैं इनके पास अवेलेबल हैं। तो मेरी कोशिश होगी ये कराकरी का जो जितना भी वो है सामान है, इसके बारे में डिटेल वाइज आप लोग के साथ इसकी डिटेल शेयर कर सकूं। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे मुझे फॉलो करें, और ये वीडियो स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। आज मेरी कोशिश होगी आप लोगों के साथ ईरानी जो डिनर सेट हैं, ये तो आजकल हर जो घर हैं उनकी ज़रूरत बन चुके हैं। मेरी कोशिश होगी डिटेल वाइज आप लोगों के साथ ये जो सेट्स हैं, ये डिनर सेट हो गए, उसके अलावा और इनके पास स्टील का सामान भी है, ये सब डिटेल वाइज आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तो मेरे साथ रहें, इस वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। विद प्राइस इंशाल्लाह आप लोग के साथ एक अच्छा रिव्यू कोशिश करूँगा कि शेयर कर सकूँ। तो मेरे साथ रहें, कोशिश होगी आप लोग के साथ एक अच्छा रिव्यू शेयर कर सकूँ। अगेन कह रहा हूँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ रहें, इनके बारे में आप लोगों को डिटेल बताता हूँ मैं। नाम बताएं, अपना तारुफ करें। जी, मेरा नाम मोहम्मद नबी है। अच्छा, और मैं क्वेटा से हूँ। कराकरी स्टोर में। कराकरी स्टोर, कराकरी स्टोर है जी। तो इसमें जो है ना, जो कराकरी का सामान है, इसमें कौन कौन सी वैरायटीज आप लोग पास अवेलेबल है? ईरानी भी है, पाकिस्तानी भी है, और अफगानिस्तानी भी है। अच्छा, चाइना भी है। अच्छा, और फ्रांस भी है। अच्छा, ये सब कुछ है इसमें। अभी आप कुछ जैसे ईरानी जो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं कि ईरानी जो सेट हैं वो हैं क्वेटा में, कितने के मिलते हैं, क्या है? जी, अवेलेबल है ये। तो उसके बारे में आप बताएं, ईरानी कहाँ पे लगे हुए हैं? ये ऐसा हिसाब है, ये ईरानी लगे हुए हैं, ये किलो का हिसाब आता है। 700 रुपये का किलो है जी। अच्छा, किलो का हिसाब आता है जी। अच्छा, ये ईरानी, ये जो डिस्प्ले लगा हुआ ये ईरानी है? जी जी। और ये सारा, और ये कराची से आता है, पाकिस्तानी है ये वाला। अच्छा, ये फिर पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी है। इनका क्या हिसाब है? इनकी आप इसके भी किलो है, 700 रुपए किलो जी। इनका भी 700 या जी, इसका भी। अच्छा, सही है, ठीक है। ये डिटेल वाइज आप बताते जाएं, ये तो लोकल हो गए, वो जो है ये एक डिस्प्ले जो लगा हुआ है, नाजरीन आप लोग देख रहे होंगे, ये मतलब ईरानी है जी। ईरानी, ये ईरान से आता है जी जी। अच्छा, उसके अलावा ये जो साइड में लगा हुआ है, ये भी ईरानी है। अच्छा, ये भी ईरानी है, जबरदस्त। ये सारा किलो के हिसाब से आप लोग? नहीं, ये फिर सेट है। अच्छा, ये सेट फिर जो है ना, ये सेट फिर जो है ना, आप लोग कितने का दे ये रहे? 17,000 रुपए का। 17,000। इस सेट में क्या क्या आता है? इस सेट में ये कप मप है, ये प्लेट मलेट है, मतलब डिनर सेट है। अच्छा, ये कंप्लीट, मतलब जो गैजेट्स होते हैं वो अवेलेबल है जी। तो उसके अलावा जो है, और ये सारे लोकल हैं ये जो आप बता रहे थे? जी जी, ये लोकल, ये लोकल हो गए। और ये ऊपर, ये भी ईरानी है? ये भी ईरानी है जी। ये जितने भी हैं मतलब उस जगह तक, ये सारे ईरानी है जो डिस्प्ले लगा हुआ है जी। ये ईरानी, इसमें कुछ वैरायटीज किलो के हिसाब से हैं, कुछ फिर अच्छी चीजें जो है वो फिर सेट के हिसाब से। जी जी, वो फिर सेट के हिसाब से। इसके अलावा आप बताएं और क्या बता रहे हैं? और ये है, ये फ्रांस देखो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये 27,000 रुपए का सेट है। ये सिर्फ चाय के लिए। अच्छा, हाँ, ये डिनर सेट नहीं है। अच्छा अच्छा, और ये पूरा सेट होता है? हाँ, ये पूरा सेट होता है, और वो भी चाय के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी तकरीबन 19,000 रुपए का है। अच्छा, वो 19,000 का है, और वो नीचे पड़ा है, वो चाइना। अब थोड़ा उस तरफ हो जाए, वो नीचे पड़ा है ये वाला। अच्छा, ये तो चाइना है जी। ये 19,000 रुपए का, ये भी 19,000 जी जी।
अच्छा, तो इसमें आप लोग, आपको तो ऑल ओवर पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, इसमें एक और चीज़ आप बताएं कि आप लोग होलसेल पे भी दे रहे हैं या रिटेल पे दे रहे हैं? नहीं, होलसेल रेट भी है हम लोगों का। अच्छा, जी, जी। अगर आपसे कोई ऑल ओवर पाकिस्तान से ऑनलाइन रब्ता करता है तो आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर आप लोग भेजते हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये आप जो कह रहे हैं ये सारा होलसेल में भी आप लोग देते हैं और रिटेल में भी आप लोग? हम लोगों का दुकान होलसेल है जी। अच्छा, उसके ये जो सात सेट लगा हुआ है ये फिर कौन सा है, इसके बताएं? ये वाला भी चाइना है। अच्छा, ये चाइना है जी, और ये है 14,000 रुपये का। ये 14,000 के, उसकी ये डिटेल वाइज ये जो साथ में लगे हुए इन सब का आप थोड़ा मेंशन करते हैं प्राइसेस? वो वाला तो वही जो उधर पड़ा था ईरानी। अच्छा, 700 रुपये किलो वाला है। सही है। और वो तो मैं आपको बता दिया 27,000 रुपये का। और ये चम्मच वम्मच लगे हुए सेट। अच्छा, इनके फिर क्या हिसाब होता है ये जो चम्मच लगे हैं? ये तो सेट आता है, मतलब चाड़ा माड़ा हो गया, कंची हो, कांठे हो गया। अच्छा, ये सारा छे छे दाने ऐसा है। एक आप उठा के दिखाएं थोड़ा ये। अच्छा जी, ये लोकल है या ये भी बाहर से, बाहर की चीज़? नहीं, ये लोकल है। अच्छा, लोकल, ये लोकल। ये सेट जो है तकरीबन, ये पूरा एक सेट है यहाँ जी? ये कितने का आता है तकरीबन? ये तकरीबन 2700 रुपये का है। 2700 जी। इसमें ये आप रिटेल की प्राइस बता रहे हैं ना? जी जी, रिटेल। जो होलसेल है परचून, परचून रेट है। अच्छा, सही है, ठीक है। उसके अलावा और इसमें ये जो आपने दिखाया, ये कि आपने कहा कहाँ के, बाहर के? नहीं, ये लोकल 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 है जी। इसमें कोई और ऐसा, कोई और सेट भी दिखाए हैं और लगे हुए हैं इसमें? मतलब कम से कम ये जो सेट है इनका कितने से स्टार्ट है? ये देखिए आप, ये दूसरा डिजाइन है। अच्छा, ये कांटे वाले सब कुछ। अच्छा, ये फिर चाइना है। अच्छा, ये चाइना है। ये चाइना इसका जो है तकरीबन प्राइस आज का क्या चल रही है? इसके प्राइस आजकल 2200। अच्छा, 2200। ये रिटेल प्राइस आप बता रहे हैं ना? जी, रिटेल। रिटेल, ये जो होलसेल पे अगर किसी को चाहिए थे वो फिर बार्गेनिंग आप लोग कर लेते हैं? जी, वो फिर हम लोग। अच्छा, चलो, सही। उसके अलावा ये जो, ये क्या लगा हुआ है, स्टील का है सामान? ये स्टील का सामान है, डिफन विफन। अच्छा, ये सब, ये फिर लोकल चीज़ है? ये लोकल चीज़ है। अच्छा, ये पाकिस्तानी है। अच्छा, इनका फिर क्या हिसाब होता है? ये भी आप लोग किलो के हिसाब से लाते हैं? नहीं, ये फ़र्क आता है ना, 18 गेज आता है इसमें, 19 गेज आता है, 22 गेज आता है। अच्छा, फ़र्क आता है जी। अच्छा, ये फिर मुख्तलिफ है? हाँ, मुख्तलिफ है। इसके अलावा आपको बैक साइड पर जो प्लास्टिक का सामान लगा हुआ है ये? हाँ हाँ, ये जग है, जग। अच्छा, ये 300 रुपए का, ये भी पाकिस्तानी आता है। अच्छा, ये भी लोकल चीज़? हाँ, ये भी लोकल चीज़ है। ये कहाँ से आता है? ये कराची से आता है। अच्छा, ये कराची से आता है। तो ये इनका क्या हिसाब होता है, ये सेट आता है या एक एक पीस? नहीं, ये एक एक पीस आता है। अच्छा, सेट वो फिर आता है, वो वाला पड़ा है। कौन सा देख रहे हैं आप? वो वाला, ये 7 पीसेस आता है। ये वाला, ये बता रहे हैं आप? जी जी, ये। अच्छा, ये साथ, ये कहाँ का, ये लोकल चीज़ है? ये भी लोकल है। अच्छा, ये फिर कहाँ से आता है? ये फिर, ये भी कराची से आता है। कराची से आता है, चले, सही। ये जो ये सारा प्लास्टिक का सामान है, ये फिर सारा ईरानी है। ये वाला, ये ईरान से आता है। हाँ, ये ईरानी है ये। अच्छा, डिफन मिफन हो गया यार, उठा के दिखाएं ना कोई चीज़। क्या दिखाओ आपको? ये डिफन है, ये जग है, ये ईरानी है। इसमें आप लोग एक एक पीस तो बेचते हैं, वो तो आपकी बात भी सही है, लेकिन ज़्यादा अगर किसी को चाहिए तो फिर आप लोग वैसे पीस का हिसाब होता है या इनका भी किलो का हिसाब है? नहीं, इसका भी पीस का हिसाब होता है। अच्छा, पीस का हिसाब। इसमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किलो के हिसाब से आप लोग दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पीस के हिसाब से दे रहे हैं? तो किलो का हिसाब जो आता है वो फिर डिनर सेट आता है। अच्छा, और सब कुछ, और एक वो हो गया स्टील वाला, तो चाइना का आता है, वो भी जाएंगे उस तरफ, वो भी पहले जो है ना, ये इनके बारे में बताएं जो इसके पास लगे हुए हैं, ये फिर क्या चीज़ें हैं? वो डिफन, वो है, मसाले के लिए आता है, इस सब कुछ के लिए आता है जी। ये सेट कितने का है? 3,000 के लिए। चलें, सही है, ठीक है। इसके अलावा ये वो जो रोटी के लिए टिफ़न होता है जी, हॉटपॉट, हॉटपॉट क्या है? हॉटपॉट। इसका क्या नाम है? हॉटपॉट। ये लोकल चीज़ें हैं या ये भी बाहर से आती हैं? नहीं, ये बाहर से आती है, ये ईरानी है। ईरानी, चाइना भी आता है, सब कुछ आता है। अच्छा, सही है। अभी थोड़ा आगे आए, इसमें अभी स्टील का जो सामान है ना, इसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं। जी जी, ये सारा आप कह रहे थे ये भी ईरानी है यहाँ तक, ये जो सामान? नहीं, ये जो प्लास्टिकी सामान पड़ा है ये ईरानी है। अच्छा, प्लास्टिकी ईरानी है। फिर उसके अलावा ये जो स्टील का है, ये बारे में बताएं? ये फिर पाकिस्तानी है। अच्छा, ये भी लोकल है? हाँ, ये लोकल है। अच्छा, सही है, ठीक। इसमें भी पूरे सेट भी आते हैं? हाँ, सेट आता है जी, 12 दाने सेट, एक एक दर्जन आता है। अच्छा, सब में।
मतलब सलाद हो गया, चिकनी हो गया, सालन हो गया। इसमें कोई सेट है आप दिखा सकते हैं? ये सेट पड़ा है, एक ये हो गया। अब ये बड़ा सालन है, छोटा सालन है, ये सलाद हो गया, ये चिकनी मिकनी के लिए हो गया, और ये उसके लिए चावल के लिए हो गया। मतलब ये बन गया सेट इसका आपका। अच्छा, ये सेट है। इसमें सारे से छः छः दाने निकाले, ये सेट पूरा हो गया। ये स्टील का हो गया। हाँ, ये इसके अलावा ये जो नॉन स्टिक लगा हुआ है इसके बारे में बताएंगे जो है। ये फैन हो गया, ये नॉन स्टिक है? ये नॉन स्टिक है जी। ये लोकल चीज़ें हैं या ये भी बाहर से आते हैं? नहीं, ये लोकल है। ये उठा के ये लोकल है। ये भी सेट आता है जी, इसमें बड़ा छोटा मतलब ये वो आपका मर्जी है, सेट नहीं है। अच्छा, ये अलग आता है जी। अलग आता है। अच्छा, इसमें ये फिर क्या चीज़ है? ये फ्राई पैन है। अच्छा, ये फ्राई पैन है जी। ये भी लोकल चीज़ है? ये भी लोकल है, सोनिक्स कंपनी है पाकिस्तान। ये सारा वही स्टील का है जो आप? ये वो सारा वही स्टील का सामान। उसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ें जैसे ये ऊपर पड़े हुए हैं, ये ओवन है, ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा बताओ। ये ओवन है, ये सेगो कंपनी का है, पाकिस्तानी का। ये पाकिस्तानी है जी। ये कितने के है, क्या प्राइस? ये छोटा वाला 13,000 रुपए का है। हाँ, और वो बड़ा वाला 17,000 रुपए का है। अच्छा, 17,000 के। उसके अलावा ये जो साइड में लगे हुए हैं ये सारे जो, ये आप क्या के नाम ले रहे थे? ये हटपाट। हटपाट, ये इसमें वो जो रोटी रखते हैं वही चीज है, गर्म रहती है, गर्म रहती है जी। ये मतलब ये भी सारा सेट है? ये तीन पड़े सेट है, और इसके ये लाल कूलर जो आप देख रहे हैं इसके साथ भी सेट आता है। वो तीन हटपाट होते हैं, एक कूलर होता है। अच्छा, ये कितने का है? ये तकरीबन 3,200-3,400 ऐसा पड़ेगा। ये भी आप प्राइसेस बता रहे हैं लेकिन जो पर्सनली विजिट करेंगे उनके लिए पर आप डिस्काउंट तो करेंगे? वो तो डिस्काउंट करेंगे। सही है, चलो सही है। इसमें अभी ये इन सेट्स के बारे में आप बताते जाएं, ये जो मसालों के हैं। ये मसालों के लिए 6 पीसीज है, लगभग वो आपका मर्जी है जो आप डालोगे। अच्छा, घर का डिशीज है तो ये 2700 रुपये का है। और ये जो थर्माज है, ये थर्माज है, ये 3,200 रुपए का स्टील का। अच्छा, ये यहाँ से डस्टबिन स्टार्ट हो रहे हैं? ये डस्टबिन है। इनकी प्राइसेस क्या है, इनकी थोड़ी अपडेशन कैसे है? इनके प्राइसेस एक ये वाला 1700 रुपए का है। हाँ, और वो वाला जो है 1200 रुपए का है। अच्छा, इसमें कम से कम कितने से स्टार्ट हो रहे हैं? कम से कम वो सादा वाला आता है, ये तो डिज़ाइन वाला है, सादा वाला तकरीबन 300-250 इस तरह आता है। अच्छा, 300-250 से स्टार्ट। अच्छा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कितने का? ये तो सारे फैंसी हैं मेरे ख्याल से, कुछ महंगे होंगे? जी जी, सबसे महंगा वाला तकरीबन 1700 रुपये का। अच्छा, मतलब 250 से स्टार्ट है, 1700 तक। जी जी, चलें सही है। और इस तरफ आए, और इनमें ये क्या चीज़ें? ये बाहर के या ये लोकल है? ये गुजरावाले से आता है। अच्छा जी, इनका भी सेट होता है ये जो चैदान कहते हैं? नहीं नहीं, ये एक एक आता है। अच्छा जी, एक एक है। इनका आप लोग किस हिसाब चलाते हो? मतलब कोई होल सेलर को अगर चाहिए था तो आपसे रब्ता करते हैं? होल सेलर को अगर देना हो तो फिर मतलब 50-30 रुपये ऐसा डाल के बस देते हैं उसको। अच्छा, हम लोग फिर गुजरावाले से लाते हैं। अच्छा जी, और उसके अलावा एक और चीज़ भाई बता रहे थे, ये कबाब के लिए बनाया हुआ है। ज़बरदस्त चीज़ है ये। आजकल ईद आ रही है तो जो बारबेक्यू वगैरह के शौकीन होते हैं? जी, वो तो शौकीन होते हैं। अच्छा, आप बैठे, इसके बारे में बताएं कि आप लोग यहाँ लोकल बनता है या बाहर से आता है? नहीं, ये ईरानी है। अच्छा, ये ईरान से आता है? जी, ये ज़बरदस्त चीज़ है। ये मतलब अभी तो बड़ी ईद आ रही है, ईद उल अज़हा, लोग बारबेक्यू के शौकीन होते हैं जैसे ऑल ओवर पाकिस्तान में हर कोई बंदा, तो ये चीज़ है यहाँ बारबेक्यू के लिए होता है? हाँ, ये बारबेक्यू के लिए होता है। अब दिखाए इसको, ये चीज़ ये सिलेंडर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जी, इस सिलेंडर पर इस्तेमाल। ज़बरदस्त गैस। ये इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 3,700 रुपये। 3,700। इसमें छोटे साइज भी आते हैं या सिर्फ यही? नहीं, यही हम लोगों के पास यही पड़ा हुआ। अच्छा, तो यही है तकरीबन 3700 से इसकी प्राइस स्टार्ट। 3700 के स्टार्ट होता है। बारबेक्यू वगैरह के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। ज़बरदस्त चीज़ ये जो बारे में बता रहे थे ना, डेक्ची वगैरह जो है? जी जी, ये भी सेट आते हैं? जी, सेट आते हैं इसका। हम परचून जब बेचते हैं ना तो लोग अलग अलग ले जाते हैं, और जो होलसेल में देते हैं वो फिर सेट आता है। अच्छा, हम लोगों को भी सेट मिलता है, हम लोग भी फिर सेट देते हैं। अच्छा, ये बहुत कम मिलता है दाने दाने में, हम लोग दाने में बस बेचते हैं। हम लोग बोलते हैं सही है। तो ये
आप कह रहे थे कि मतलब किलो के हिसाब से? जी किलो का हिसाब। इनका किलो कितने का है तकरीबन? सोनिक्स का किलो होलसेल रेट से 1150 रुपए का है। अच्छा। और ब्राइट हो गया वो 1050 रुपए का है आखिरी होलसेल रेट। ब्राइट हो गया 150 का? जी जी। मतलब ये कराकरी आइटम जितने भी थे आप लोग पास हर चीज़ अवेलेबल है। जी जी। एक बार दोबारा आखिर में अपना एड्रेस बताएं शॉप का। ये टकटक गली है, हम लोग इसको टकटक गली बोलते हैं। सूरजगंज बाजार के गरीब है कोयठा में। आप लोगों का जो नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में चला दूंगा। आपसे रब्ता भी करेंगे लोग तो आप उनको थोड़ा सही रिस्पांस दें। जी जी। ऑल ओवर पाकिस्तान से आप लोगों को देख रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हमें देखने वाले हैं हमें चाहने वाले हैं इंशाल्लाह। वो यार उनके बारे में हम लोगों ने नहीं बताया। ये जो इसके ये नहीं है ये जो सेट लगे हुए हैं ये बाकी लोकल चीज़ें हैं या ये बाहर से आते हैं? लोकल भी है ईरानी भी है सब कुछ है इसमें। अच्छा जी। ये जो अभी लगे हुए हैं डिस्प्ले पे ये कौन से हैं? इनमें जैसे ये हो गए ये ईरानी है। ये ईरानी है जी। अच्छा ये शीशे के हैं? हाँ शीशे के हैं जी। ज़बरदस्त। इसके अलावा ऊपर जो है वो कौन से हैं? वो पाकिस्तानी है वो ऊपर जो पड़ा है दूसरे खाने में। अच्छा जी ज़बरदस्त। ये मतलब ईरानी और पाकिस्तानी मिक्स सामान पड़ा हुआ है? मिक्स सामान मतलब आपके पास जो वैरायटीज हो गई इसमें ईरानी हो गए पाकिस्तानी हो गए अफगानिस्तान के हो गए उसके अलावा फ्रांस के हो गए चाइना के हो गए मतलब कराकरी के जितना भी सामान है आपके पास अवेलेबल है और इसमें वैरायटीज बहुत ज़्यादा है। वैरायटीज बहुत ज़्यादा है। चार पाँच वैरायटीज हैं चाइना का हो गया। इसके अलावा यार वो तुर्की का बताएं तुर्की के सामान नहीं होगा यार तुर्की का क्या बोलो तुर्की का चिश प्रतिदिन सर नहीं वो नहीं है। अच्छा तुर्की का इतना नहीं है? नहीं है इतना कम है बहुत कम है। अच्छा मतलब वो है सही लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। इतना ज़्यादा नहीं है सही जगह पर पड़े हुए अभी नहीं दिखा सकते। तो ये नाजरीन आप लोग देख रहे हैं जो डिस्प्ले लगा हुआ था ये मेरी कोशिश थी आप लोगों के साथ हर चीज़ डिटेल वाइज शेयर कर सकूँ। इसमें ये जो आप लोग देख रहे होंगे ये जितने भी हैं ये ईरानी सामान लगा हुआ है। उसके अलावा ये ईरानी शीशे का भी आता है। अक्सर लोग जो है ईरानी सामान की ज़्यादा डिमांड करते हैं। सामने वो भी ईरानी है उसमें कुछ चाइना के सेट लगे हुए हैं। वो ऊपर जो पड़ा है वो ऊपर फ्रांस का है। मतलब इसमें तकरीबन चार पाँच कंट्रीज़ की वैराइटीज़ यहाँ पड़े हुए हैं। वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो जो भी हमें दूर से देख रहा है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर मैं स्क्रीन पर चला दूँगा तो आप इनसे पर्सनली रब्ता करेंगे तो आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मोहम्मद नबी भाई आप ने मतलब अंदर से आप लोगों ने सब डिस्प्ले दिखाया कोशिश की कि हर चीज़ आप हमारे साथ शेयर कर सकें। जी जी। लेकिन अभी बाहर निकल रहे थे तो ये कीमे की मशीनें भी आपके पास हैं? जी जी। इनके बारे में आप बताएं ये इनका क्या हिसाब है? ये हम लोगों ने इसका स्टैंड भी बनाया हुआ है मतलब सारा कुछ सहूलत मौजूद है। ये देखिए आप ये भी दिया हुआ है केमा गिरे नहीं नीचे ये देखिए आप इस तरह। इसमें क्या हिसाब होता है वजन का हिसाब है या क्या हिसाब है? नहीं इसका ये हिसाब है मतलब ये आता है ये बड़ा है 22 नंबर है। अच्छा। वो आता है वो 12 नंबर है 18 नंबर है। अच्छा। ये सारे आते हैं इसमें। अच्छा। जी इनकी प्राइसेस क्या है कम से कम कहाँ कितने से स्टार्ट है? कम से कम ये 22 नंबर आता है ये 5300 रुपये का आखिरी होलसेल रेट और वो आता है वो 12 नंबर है वो 3300 रुपये है आखिरी रेट और उस तरफ वाला वो होता है 18 गेज वो है 4200 रुपये। अच्छा जी। इसके अलावा इसके कढ़ाई के बारे में बताएं इनका क्या हिसाब होता है? इनका ये है ये आता है हम लोग ऐसे ही देते हैं ये मतलब अभी हो गया ये 600 रुपये का है। अच्छा। और उसमें वो काला वाला आता है वो वाले वो हम लोग किलो का हिसाब देते हैं। वो फिर किलो कितने का है? वो फिर किलो 600 रुपये का है। और उसके अलावा ये जो कूलर पड़े हुए हैं ये लोकल हैं? ये लोकल है जी। इनकी क्या प्राइस है? इसका ये हम लोग मतलब छोटे साइज से बड़े साइज भी इसमें पड़े हुए हैं? जी जी बड़े भी पड़े हुए हैं और ये हम लोग ऐसे मतलब दिखाते हैं ये अभी देखो इसमें 48 नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा। इस नंबर से हम लोग रेट बताते हैं। अच्छा, ये 48 ये कितने का है? ये टोयक कंपनी है 48 नंबर ये 950 रुपये का है। 950 जी। इसमें सबसे बड़ा नंबर इस टाइम 77 नंबर आ रहा है जी। ये 77 नंबर कितने का है? ये तकरीबन 2200-2100 तक आपको पड़ जाएगा। इसके अलावा जो बैक साइड पे है वो फिर अफगानी कुकर है? जी वो अफगानी है। तो इसकी अवानी ये खास चीज़ें तो हम लोगों ने छोड़ दी है यार आप चलें उधर आ जाए आ जाए। इसमें ये जो अवानी कुकर है इनकी प्राइस आप बताएं? इनकी प्राइस ये लीटर के हिसाब से शुरू होता है। अच्छा।
लीटर के हिसाब से। अभी देखो 5 लीटर आता है, 10 लीटर आता है, 15 लीटर आता है, फर्क आता है। 5 लीटर तकरीबन 3,500 तक होल सेल रेट में पड़ जाएगा जी। और इसमें ज़्यादा ज़्यादा बड़ा कौन कितने लीटर आता है? ज़्यादा बड़ा बड़ा तकरीबन 50 लीटर का आता है। वो पड़ा है, आप दिखाएं इसमें, दिखाएं उठा के यार। ये यार हाँ, ये चीज है, एक ये आता है, ये ऑटोमेटिक वाला है, ये आप देखिए, जी ये सही क्वालिटी वाला है। और एक कितने लीटर है? ये 5 लीटर आता है। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है तकरीबन? इसका प्राइस ये एक मैंने जो आपको बताया था वो 2 टुकड़ों में बना हुआ है। अच्छा। ये 1 टुकड़े में है। अच्छा, ये फिर थोड़ा महंगा आता है। अच्छा। इसमें भी क्वालिटीज आती हैं। अच्छा। जी चले, मतलब इसका जो है आपका नंबर दे देंगे, अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो फिर वो आप उस हिसाब से रेट दे दीजिएगा। जी जी इंशाल्लाह। और इसके अलावा ये जो सिलेंडर है ये ईरानी है या पास लोकल है? नहीं, लोकल आते थे वो हमारे पास, अभी नहीं है, अभी ईरानी सारे पड़े हुए हैं। ये ईरानी है? जी ये ईरानी सिलेंडर जो है, इनके बारे में आप बताएं। ये तो ईरान से आते, ये बहुत अच्छा चीज़ है, तकरीबन 5 किलो है। हाँ। वो 8 किलो है। अच्छा। ये 2.5 किलो है। हाँ। मतलब ये 1 किलो है, ये पाकिस्तानी है, ये फिर अच्छा। ये फिर पाकिस्तानी पड़ा हुआ है। फ़र्क आता है, 2 किलो वाला जो है 1800 रुपये का है, बड़ा वाला 5,000 रुपये का है, मतलब फ़र्क आता है जी। तो नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं आज का जो रिव्यू था हमारा, वो कराकरी के हिसाब से था। कराकरी का ये इतनी बड़ी शॉप है, इसमें तकरीबन 4-5 वैरायटीज़ के सामान आप लोगों को मिल जाते हैं। अफगानी हो गए, इसमें आपके चाइना का सामान हो गया, उसके अलावा लोकल हो गया, उसके अलावा जो फ्रांस का हो गया, मतलब 4-5 वैरायटीज़ इनके पास अवेलेबल हैं। तुर्की का सामान भी है, वो इतना ज़्यादा नहीं है, उसके बारे में थोड़ा इसने डिटेल नहीं दी। बाकी 4-5 कंट्रीज़ का इनके पास जो लोकल सामान है जितना भी, वो सब अवेलेबल है। तो इसमें मैंने सोचा था सिर्फ कराकरी का सामान होगा, लेकिन कराकरी से अलावा इनके पास स्टील का सामान भी है। आप लोगों ने देखा होगा, अफगानी कुकर हो गए, कीमे की मशीनें हो गई, ईरानी कूलर हो गए, ईरानी जो गैस सिलेंडर आते हैं वो हो गए, मतलब वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। तो जो भी हमें दूर से देख रहा था, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो किलो के हिसाब से थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पर पीस के हिसाब से दे रहे हैं। और ये भाई मोहम्मद नबी भाई हैं, ये सूरजगंज बाज़ार में, ये जो टक गली इसको कहते हैं, यहाँ पे जो है ना इनकी शॉप है। ऑल ओवर पाकिस्तान से जो भी हमें देख, इन भाई का जो नंबर है ये वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनसे ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। कोई किसी वो भी कोई चीज़ चाहिए थी तो ये मोहम्मद नबी भाई को आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, होल सेलर हो गया, रिटेलर हो गया, मतलब जो भी चीज़ चाहिए। तो मेरी कोशिश थी आप लोग के साथ एक अच्छा रिव्यू शेयर कर सकूं। आखिर में आप लोगों को ये ईरानी कूलर का मैंने बताया, लेकिन उसकी कुछ एक दो सैंपल उठा के ले आया है। ये फैंसी है, उसके अलावा जो है ना ये सादा है। इसकी प्राइस क्या है मोहम्मद नबी भाई? इसमें फर्क आता है, ये वाला जो होता है ये 850 रुपये का है। हाँ। होल सेल रेट में। हाँ। और ये? और ये जो होता है ये 1800 रुपये का है। अच्छा, ये 1800 रुपये का है। ये फैंसी है थोड़ा फिर। हाँ, ज़बरदस्त। तो आप लोग देख रहे होंगे, मतलब ईरानी, ज़्यादातर लोग ईरानी सामान के ज़्यादा शौकीन होते हैं, जो पंजाब से हमें देख रहे हैं, कराची से देख रहे हैं। तो इन भाई का जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, इनसे आप ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं। ये कह रहे हैं ऑनलाइन भी हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं। तो मेरी कोशिश थी एक अच्छा डिटेल वाइज, एक क्रॉकरी का दूसरी वीडियो है मेरी, मैंने सोचा आप लोग साथ डिटेल वाइज शेयर कर सकूँ। तो मेरी कोशिश थी, आप लोग साथ शेयर भी किया है। तो जो भी अगर कोई कमी पेशी रह गई है आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें आखिर में जाते जाते, और उसके अलावा जो है मेरा फेसबुक पेज है वो भी मुझे फॉलो करें उस पर। और मेरी कोशिश होगी एक नई चीज़ दूसरी आप लोग साथ शेयर कर सकूं। तो मेरे साथ रहें ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। फ़िलहाल के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त, मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।